ओर पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार प्रवासियों को अपने अपने प्रदेश में भेजने की कोशिश में लगी है, जहां उत्तराखंड में प्रवासी आने भी लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड में प्रवासी प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात की जाए उधम सिंह नगर की, तो एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। काशीपुर का युवक 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था और दूसरा व्यक्ति किच्छा का है, जो गुड़गांव से लौटा था। एक को काशीपुर अस्पताल में आज आइसोलेट कर दिया है तथा जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में रखा गया था। दोनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जनपद उधम सिंह नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 पहुंच गई है और अच्छी खबर ये है कि उसमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 14 कोरोना मामले अभी पॉजिटिव हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो पहल की है, लॉकडाउन के चलते प्रवासी जो फंसे उनके अपने घर में पहुंचाने के लिए, मेरा मानना है प्रवासियों को जब तक प्रदेश में नहीं लाना चाहिए जब तब प्रवासियों को रिपोर्ट निगेटिव ना आ जाए, केवल स्कैनिंग करके नहीं भेजा। जो प्रवासी चोरी छिपके बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों की जानकारी मिलने पर हम पुलिस को सूचित कर देते हैं और पुलिस उनको क्वारंटाइन कर देती है। बाहर से लोग आए हैं वो हमारे लिए घातक हो सकता है, हमारी सरकार अगर जो उनके लिए स्वास्थ्य रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग कम से कम 15-20 लोग आए हैं और उनको कहा गया है कि वो स्कूल में क्वारंटीन हो, नहीं आती जब तक वो स्कूल में रहें। जैसे कि जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, ठीक है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या है उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, लोगों ने उनका मकान खाली करा दिए हैं, वो क्या कर सकते हैं। ठीक, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अभी उन लोगों का क्या हो गया है कि वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं और उनको निकलने भी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए वो आ जाते हैं इधर और फिर हम लोग उनको जैसे भी रहता है हम उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं और उनकी जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से हम लोग उनको क्वारंटीन कराते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि कोई चोरी से घुस गया है हमारे इधर क्षेत्र में, तो हम लोग उनके लिए जो हमारी पुलिस प्रशासन जो हमारे काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम उनको सूचना दे देते हैं और जो हमारे अधिकारी हैं हम उनसे भी जुड़े हैं, हम उनको भी बता देते हैं और फिर डॉक्टर वगैरह के पास हम लोग उनको भेज देते हैं ताकि उनको रिपोर्ट करें वो लोग, जांच करें और उनको क्वारंटीन किया जाए।